हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 की कविता के अंतर्गत अंधेरे में कविता के छठे भाग की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम इसके सातवें भाग की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता। रिहा छोड़ दिया गया मैं, कोई छाया मुख अब करते हैं पीछा। छाया कृतियां ना छोड़ी है मुझको, जहां जहां गया वहां भौहों के नीचे के रहस्यमय छेद मारते हैं संगीत। दृष्टि की पथरी चमक है पैनी, मुझे अब खोजने होंगे साथी। काले गुलाब व श्याह सिवंती, श्याम चमेली, संभलाए कमल जो खोहों के जल में, भूमि के भीतर पाताल तल में खिले हुए कब से भेजते हैं संकेत, सुझाव संदेश भेजते रहते। इतने में सहसा दूर क्षितिज पर दिखते हैं मुझको बिजली की नंगी लताओं से भर रहे सफेद नीले मोतियां, चंपई फूल गुलाबी। उठते हैं वहीं पर हाथ अकस्मात, अग्नि के फूलों को समेटने लगते। मैं उन्हें देखने लगता हूँ एकटक, अचानक विचित्र स्फूर्ति में से मैं भी जमीन पर पड़े हुए चमकीले पत्थर लगातार चुनकर बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता हूँ। रेशमी विकिरण मेरे भी प्रस्तर करते हैं प्रतिक्षण, रेडियो एक्टिव रत्न है वे भी, बिजली के फूलों की भांति ही यत्न है वे भी। किंतु असंतोष मुझको है गहरा, शब्दाभिव्यक्ति अभाव का संकेत। काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन, परंतु ठंडा मेरे भी फूल है तेजस्क्रिय, पर अतिशय शीतल मुझको तो बेचैन बिजली की नीली ज्वलंत बाहों में बाहों को उलझा करनी है। उतनी ही प्रदीप्त लीला, आकाश भर में साथ साथ उसके घूमना है मुझको। मेरे पास नारंग है बिजली का गौर की, भीमाकार हूँ मेघ में काला, परंतु मुझको है गंभीर आवेश, अतः प्रेरणा स्रोत का संयम। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा, क्या कहूँ। मस्तक कुंड में जलती सत्चित वेदना, सच्चाई व गलती, मस्तक सिराओं में तनाव दिन रात। मैं रिहा हो गया हूँ विभिन्न विचारों की अंध सरणियों में कैद, मेरी चेतना को अब छोड़ दिया गया है। फिर भी कई छाया मुख मेरा पीछा कर रहे हैं, ये परछाइयां विभिन्न परंपराओं मेरा पीछा करना पूरी तरह से नहीं छोड़ पा रही। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, इन पीछा करने वाली परछाइयों की आंखें रहस्यमय ढंग से कुल संकेतात्मक संगीत छेड़ती हैं। उनकी पथराई दृष्टियों की चमक बड़ी ही तेज अंतर मन तक को बेध डालने वाली है। अब मुझे अपने साथियों के रूप में काले गुलाब, स्याह सिवन्नी और श्याम चमेली के फूल खोजने होंगे, अर्थात विषमताओं से तापित, उत्पीड़ित, विवश हो गए लोग मेरे साथी होंगे। मुझे वे काले पर गए कमल खोजने होंगे, जो खड्डे जैसे जीवन के जल की पाताली गहराई में धसे संकेतों की भाषा में अपने सुझाव और संदेश भेजा करते हैं, अर्थात मेरी प्रेरणा के स्रोत वे जन बनेंगे कि जो युगों युगों से उत्प्रेरित और विवस्था का जीवन जी रहे हैं। तभी अचानक दूर क्षितिज के पास मुझे बिजली की नंगी लताओं पर भर रहे सफेद नीले चंपई फूल गुलाबी होकर उठते हुए दिखाई देते हैं। मेरे हाथ अग्नि के उन फूलों को अचानक समेटने लगते हैं, अर्थात दूर देश की क्रांतिकारी विचारधारा मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उन क्रांति के प्रतीक फूलों को मैं अब पलक देखने लगता हूँ। उससे मेरे मन में एक विचित्र स्फूर्ति, एक अनोखी प्रेरणा का संचार होने लगता है। अतः मैं जीवन पर पड़े चमकीले पत्थर चुनकर उन्हें बिजली के फूल बनाने की कोशिश करने लगता हूँ, अर्थात उपेक्षित किंतु प्राणवान तत्वों को समेट कर क्रांति की लता को सिंचित पुष्पित करने का प्रयत्न करने में जुट जाता हूँ। मेरे वे पत्थर से फूल भी उन्हीं दूर दिखाई देने वाले फूलों के समान उजली किरणें फैलाने लगते हैं। वे भी धरती के भीतर सक्रिय रेडियो एक्टिव किरणों से विसर्जित होने वाले रत्न हैं, अर्थात वे भी
अंतःभावों और विचारों से प्रभावित होने के कारण महत्वपूर्ण है। वे भी बिजली के फूलों की तरह किए गए यत्नों की प्रक्रिया की देन है। फिर भी मुझ में अभी तक का गहरा असंतोष बना हुआ है कि शब्दों के अभाव में ही उनको पूरी तरह से अभिव्यक्त प्रदान नहीं कर सकता। असंतोष का यही संकेत है। काव्य में उस सब को वर्णन करने की शक्ति होती है, वह भी उन दूर के फूलों के समान रंगीन है पर ठंडा पड़ा है, अर्थात वह क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त कर पाने में पूरी तरह से असमर्थ होकर रह गया है। मेरे विचारों के फूल भी अपनी तेजस्विता में अत्यंत सक्रिय है, पर साथ ही ये बहुत अधिक शीतल भी हैं, अर्थात शांति शांति की गुहार के कारण यहाँ की जागृत चेतना ठंडी पड़कर रह गई है। पर नहीं, मुझे तो बिजली की नीली जलती बाहों में बाहें डालकर उसी जैसी प्रदीप्त लीला करनी है, अर्थात क्रांति भावनाओं को समेटकर क्रांतिकारिता को प्रशय देना है, सारे आकाश में अर्थात समूची धरती पर उस क्रांति भावना का विस्तार करना है। मेरे पास बिजली का गोरा अर्थात चमकीला वर्ण नहीं है, मैं तो एक विशाल काय काले बादल का टुकड़ा हूँ। फिर भी मुझ में गंभीर आवेश के साथ साथ प्रेरणा स्रोत का संयम भी है। पर नहीं, अब इन पथराए रंगीन फूलों से काम नहीं चल सकता, अर्थात अब जड़ता की प्रतीक बन चुकी रंगीन कल्पनाएं व्यर्थ होकर रह गई है। ओह, ऐसी स्थिति में मैं क्या कहूँ, क्या करूँ। मेरे मन मस्तिष्क के एक यथार्थ एवं नित्य मानवीय वेदना अपनी संपूर्ण यथार्थता के साथ गल कर रात दिन मस्तिष्क में एक तनाव सा बनाए रखती है। कैसे हो इस तनाव से छुटकारा। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेगी बाहें जिसमें की प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक, ले जाने उसको धसना ही होगा झील के हिमशीत सुनील जल में। चांद उग गया है गलियों की आकाशी लंबी सी चीर में, तिरछी है किरणों की मार उस नीम पर जिसके की नीचे मिट्टी के गोल चबूतरे पर नीली चांदनी में कोई दिया सुनहला जलता है, मानो की स्वप्न ही साक्षात अदृश्य साकार। मकानों के बड़े बड़े खंडर जिनके की सूने मटियाले भागों में खिलती ही रहती महकती रात रानी फूल भरी जवानी में लज्जित तारों की टपकती अच्छी ना लगती। ठीक है कि यहाँ बोलने विचारों को प्रकट करने के लिए भी छूट नहीं है, अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे हैं, पर अब सहन नहीं होता। जीवन के घिनौने यथार्थ और उसे समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी विचार प्रकट करने की राह में चाहे कितने भी खतरे क्यों ना हो, उन्हें झेलने के लिए तैयार होकर सब कुछ सब स्पष्ट कहना होगा। मानवता के को विद्रूप कुंठित और शोषित करने के लिए प्रतिक्रियावादियों ने जितने भी मठ और सुरक्षा या प्रतिरोध को गढ़ बना रखे हैं, अब क्रांतिकारी विचारों के घोर प्रहार से उन सबको तोड़ना ही होगा। हमारी राहें रोकने के लिए प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाओं ने जो पहाड़ों जैसे प्रतिरोध खड़े कर रखे हैं, उनको लताड़ कर उसके पार पहुंचना ही होगा। तभी वे बाहें देखने को मिलेगी जिनमें प्रत्येक क्षण एक क्रांति का सूचक लाल कमल कांप रहा है, उसको लेने के लिए विषमता रूपी बर्फ से भी शीतल और गहरे जल में अब धसना ही होगा। अन्य कोई भी चारा नहीं है। अब विचारों की नव्यता और परिवर्तन क्रांति का परिचायक नया चांद उगाया है। आकाश को छूने वाली शोषकता की परिचायक प्रतिक्रियावादी गलियों की दरारों में अब नए उगे चांद की तिरछी किरणें अपनी तीखी मार करने लगी है। नीम के उस वृक्ष पर जिसकी छाया में बने मिट्टी के गोल चबूतरे पर नीली चांदनी में कोई सुनहला दीपक जल रहा है, जैसे कि अदृश्य सपने अर्थात कल्पनाएं ही साक्षात साकार हो उठी हो। कवि का भाव यह है कि सामान्य जनों के मन में भी अब नवीन भावनाएं जाग उठी है कि जो नव निर्माण के सपनों को पूरा करेंगे। मकानों के वे बड़े बड़े खंडर जिनके वीरानियों में मटियाले
हिस्सों में रात रानी महक कर खिलती ही रहा करती है। वहाँ फूलों के समान खिले यौवन में तारों के समान टिमकता लज्जा का भाव अब अच्छा नहीं लगता। अर्थात अब तो सभी जगह लाज भय छोड़कर क्रांति की भावना चमकने लगी है। भागता मैं दम छोड़ घूम गया कई मोड़, ध्वस्त दीवालों के उस पार कहीं पर बहस गरम है। दिमाग में जान है, दिलों में दम है, सत्य से सत्ता के युद्ध को रंग है। पर कमजोरियां सब मेरे संग है, पाता हूँ सहसा अंधेरी की सुरंग गलियों में चुपचाप। चलते हैं लोग बाग दृढ़ पद गंभीर, बालक युवागन मंद गति नीरव, किसी निज भीतरी बात में व्यस्त है, कोई आग जल रही तो भी अंतस्थ। मैं तीव्र गति से हांफते हुए भी भाग खड़ा होता हूँ, भागते हुए विचारों मतों के कई मोड़ पार कर जाता हूँ। परंपरा की टूटी फूटी दीवारों के उस पार कहीं बड़ी ही उत्तेजनापूर्ण गर्म गर्म बहस हो रही है। उसे सुनकर लगता है कि लोगों की बौद्धिकता अर्थात बुद्धिवादी तर्कों की में काफी जीवंतता है। उनके दिलों में कुछ कर गुजरने की हिम्मत या साहस भी है। आज जो सत्य और शासन से में युद्ध चल रहा है, बहस तर्कों में उसी सबका रंग जम रहा है, फिर भी हमारे साथ अनेक प्रकार की दुर्बलताएं जुड़ी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सहसा मुझे अनुभव होने लगता है कि विचारों या मनोभावों की अंधियारी गलियों में भटकते रहने पर भी, लोगों के चुपचाप चलने पर भी उनके कदम दृढ़ गंभीर हैं, अर्थात उनमें वैचारिक गंभीरता आती जा रही है। बालक युवक सभी मौन और मंद गति से अपने ही भीतर उमड़ने वाले विचारों में उलझ रहे हैं। सभी के भीतर ही भीतर कोई आग अवश्य जल रही है, वह अभी भीतर ही है, प्रकट नहीं हो पा रही। विचित्र अनुभव, जितना मैं लोगों की बातों को पार कर बढ़ता हूँ आगे, उतना ही पीछे मैं रहता हूँ अकेला। पश्चात पद हूँ पर एक रेला और पीछे से चला और अब मेरे साथ है। आश्चर्य अद्भुत, लोगों की मुट्ठियां बंधी है, अंगुली संधि से फूट रही किरने लाल लाल, यह क्या? मेरे ही विक्षोभ मनियों को लिए वे, मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोसा। किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला, गलियों के अंधेरे में मैं भाग रहा हूँ। इतने में चुपचाप कोई एक दे जाता पर्चा, कोई गुप्त शक्ति हृदय में करने सी लगती है चर्चा। मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ उसको, आश्चर्य उसमें तो मेरे ही गुप्त विचार व दबी हुई संवेदनाएं व अनुभव पीड़ाएं जगमगा रही है, यह सब क्या है? बड़ा ही विचित्र सा अनुभव हो उठा है। जैसे जैसे और जितनी अधिक लोगों की पंक्तियों को पार कर मैं आगे पढ़ता जाता हूँ, उतना ही मैं पीछे अकेला रह जाता हूँ, और लोग जैसे आगे बढ़ जाते हैं मेरे कदम उनके पीछे चलते हुए लगते हैं। पर इतने में पीछे से और लोगों की भीड़ का रेला आया और वह अब मेरे साथ चल रहा है। आश्चर्य कैसी अद्भुत बात है। सभी लोगों की मुट्ठियां क्रोध से कुछ कर गुजरने की भावना से बंध रही है। उनकी बंधी मुट्ठियों की उंगलियों के बीच के सुराखों से लाल लाल किरणें फूट रही है, अर्थात क्रांति की चिंगारियां दहक रही है। यह क्या? मैं पाता हूँ कि वे लोग मेरी ही विक्षोभ रूपी मनियां लेकर और मेरी ही सूझों के रत्न लेकर अंधेरे में उत्साहपूर्वक पढ़ रहे हैं, अर्थात क्रांति की सूझों की जो भावनाएं, जो चिंगारियां मेरे मन मस्तिष्क में विद्यमान है, वही सब लोगों में भी अंधेरे से मुक्ति पाने के प्रयत्न में उत्साह प्रदान कर रही है। पर मैं अपनी बौद्धिक जुगाली करने में व्यस्त अपने आप को जैसे एकदम अकेला ही अनुभव कर रहा हूँ। अपनी बौद्धिक जुगाली में व्यस्त मैं विभिन्न गलियों के अंधेरे में भटकता भाग रहा हूँ। तभी कोई एक मुझे कोई गुप्त पर्चा दे जाता है। मेरे हृदय में छिपी कोई शक्ति चर्चा में व्यस्त हो जाती है। मैं उस पर्चे को बड़े ही ध्यान से पढ़ता हूँ। पढ़कर बड़ा ही आश्चर्य होता है। उस पर्चे में तो मेरे ही गुप्त विचार छपे हैं।
उसके शब्दों में मेरी ही दबी हुई संवेदनाएं, अनुभव और पीड़ाएं लिखे अक्षरों के रूप में जगमगा रही है। आखिर क्या है यह सब? आसमान झांकता है लकीरों के बीच बीच, वाक्यों की पातों में आकाश गंगा फैली, शब्दों के व्यूहों में ताराएं चमकी, तारक दलों में भी खिलता है आंगन जिसमें की चंपा के फूल चमकते, शब्दाकाशों के कानों में गहरे तुलसी श्यामल खिलते हैं, चेहरे चमकता है आशय मनोज मनोज्ञ, मुखों से पारिजात पुष्प महकते, पर्चा पढ़ते हुए उड़ता हूँ हवा में, चक्रवात गतियों में घूमता हूँ नव पर, जमीन पर एक साथ सर्वत सचेत उपस्थित, प्रत्येक स्थान पर लगा हूँ मैं काम में, प्रत्येक चौराहे दुराहे व राहों के मोड़ पर सड़क पर खड़ा हूँ, मानता हूँ मानव मनवाता अड़ा हूँ, एक ही विचारधारा से उत्साहित होकर चलने वाले लोगों की पंक्तियों के बीच से मुझे आकाश झांकता हुआ दिखाई देता है, अर्थात उनके ऊंचे इरादे स्पष्ट होने लगते हैं, उस पर्चे और उन लोगों के वाक्यों की प्रत्येक पंक्ति में आकाश गंगा जैसी सघन उज्ज्वलता उच्चता सी छा रही है, उनके शब्दों के घेरों में नवीन तारिकाओं अर्थात भाव विचार सारणियों की अद्भुत चमक है, तारों के समूह जनजीवन के खिले आंगन जैसे प्रतीत हो रहे हैं जिसमें चंपा के नवीन मोहक फूल खिलते चमक रहे हैं, शब्दों की उच्चता के आगे आकाश के कानों में जैसे तुलसी के सांवले चेहरे खिल रहे हैं, उनके सुंदर मुखों से उनका आशय चमचमा कर अभिव्यक्त हो रहा है और लगता है जैसे पारिजात के स्वर्गीय फूल महक रहे हैं, कवि का आशय यह है कि वह सब नई प्रेरणा नई चेतना का प्रतीक बनकर नव जीवन के आगमन का आभास देने वाला लग रहा था, उस अचानक प्राप्त होने वाले गुप्त पर्चे को पढ़कर उसमें व्यक्त सामूहिक संवेदना को समझ और उससे अभिभूत होकर मैं जैसे हवा में उड़ने लगता हूँ, अर्थात मेरी कल्पनाएं दूर दराज की फूलियों में नहाने लगती है, मरा मन वायु के चक्रों में उड़ने वाले पत्तों के समान उड़कर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने घूमने लगता है, फिर एक साथ अपने को जमीन पर भी अनुभव करता है, अर्थात कल्पना की ऊंचाइयों में उड़ने वाला मेरा मन भी वास्तविक जीवन की यथार्थता से अलग नहीं हो पाता, वह अपने को सभी जगह अत्यंत सावधान अनुभव करता है, मैं अनुभव करता हूँ कि धरती हो या आकाश प्रत्येक जगह पर मैं अपने योजनाबद्ध क्रांतिकारी कार्यों में लगा हूँ, प्रत्येक रास्ते दुराहे और चौराहे के मोड़ों पर सड़क के बीच खड़ा मैं लोगों की बातें मानता अपनी बातें मनवाता अड़ा खड़ा हूँ, और तब दिक्काल दूरियां अपने ही देश के नक्शे से टंगी हुई रंगी हुई फुल्लकती स्वप्नों की कोमल किरणें की मानो घनीभूत संघनित द्युतिमान शिलाओं में परिणत, ये दृढ़ भूत कर्म शिलाएं हैं जिनसे कि स्वप्नों की मूर्ति बनेगी, सस्मित सुखकर जिसकी की किरणें ब्रह्मांड भर में नापेगी सब कुछ, सचमुच मुझको तो जिंदगी सरहद सूर्यों के प्रांगण पार भी जाती सी दिखती, मैं परिणत हूँ। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्तिवादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को जन को, मानव के बीच में जो देश और काल की दूरियां हैं आज वह केवल नक्शों के रंगों में रंगी और दीवारों पर टंगी अनुभूति बनकर रह गई है, अर्थात व्यवहार जीवन में इन दूरियों का अब कोई भी महत्व नहीं रह गया, मेरे सपनों अर्थात मानवता के सुखद भविष्य जीवन निर्माण की कोमल मधुर कल्पनाएं अब जैसे सघन होकर द्युतिमान अर्थात साकार होकर उठना चाहती है, वे अब कर्मशील जीवन की दृढ़ कर्मों की प्रतीकशिला रूपों में परिवर्तित हो रही है, उन कर्म रूपी शिलाओं से ही अपनी कल्पनाओं के अनुरूप ही हम लोग अपने नव जीवन का विनिर्माण करेंगे, वह मुस्कुराती मूर्ति सुख संचार करने वाली किरणें बिखेरेगी, उसमें समूचा ब्रह्मांड नब तुलकर समाकर रह जाएगा, सच मुझे तो अब
तनाव जीवन की कई सीमाएं सूर्यलोक के भी इस पार तक विस्तृत होती फैलती हुई सी लगने लगती है। मैं बदल चुका हूँ। कविता में इस प्रकार की स्पष्ट बातें कहने सुनने की आदत हमें नहीं है, फिर भी मैं साफ स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जिन लोगों का हृदय पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था से जुड़ा है, उनमें परिवर्तन आ नहीं सकता। वह मानवता की स्वतंत्रता का प्रतिवादी है। उसके सामने मानवीय स्वतंत्रता का वादी मन अब मानव की मुक्ति को अधिक छल धोखा नहीं दे सकता। वह जनता को और अधिक भुलावों में नहीं रख सकता। अब तो मानवता की स्वतंत्रता अनिवार्य है।